ये विंटर वेकेशन सबके सबको बहुत पसंद आता है, मुझे भी। मॉनिस्टर यार, इसकी लाइट को क्या हो गया है? कम आ रही है ना? हेलो फ्रेंड्स, कैसी सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ नहा के। ये विंटर वेकेशन सबके सबको बहुत पसंद आता है, मुझे भी आता है, बट इस मौसम में नहाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। पर एक हाउस वाइफ है तो नहाना तो पड़ता है। बट बच्चों को मैं आपको दिखाती हूँ, वो अभी तक नहीं नहाए हैं। ऊपर देखिए, 1 बज रहा है करेक्ट। और देखिए ना, ये ऐसे होमवर्क करने के बहाने ऐसे ही बैठे रहते हैं, धीरे धीरे लगे रहते हैं। मम्मी टोकेंगी तो बोल देंगे होमवर्क कर रहे हैं, बट मेरे से बच नहीं पाएंगे। नहाना तो पड़ेगा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, नहाना इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। अक्सर क्या होता है ना, हम लोगों से मेल जुलाव बढ़ाने में इतना मतलब वो रहते हैं ना कि सबसे दोस्ती करनी है, मिलना जुलना है, लेकिन एक दूसरे पर फेथ नहीं रखते हैं। तो किसी भी इंसान पर जहाँ फेथ नहीं है, वहाँ रिलेशन बनाने ही नहीं चाहिए। यदि पहले से रिलेशन है तो वहाँ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रिश्ता सबसे खूबसूरत वो होता है जो आपके बेस्ट को बाहर निकाले, ना कि बुराइयों को खोज के उसे पीछे की ओर ढकेल दे। और ये बात मैं कोई पति पत्नी के रिश्ते के लिए नहीं करूँ, ये हर रिश्ते में इस चीज़ का इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी कोई रिलेशन आगे चल पाता है और एक परिपक्व रिश्ते में बदल पाता है। चलिए, ऐसी बातें तो मैं आपसे करती रहूंगी, छोटी मगर मोटी और बहुत काम की बातें। और 2 दिन पहले हम बाबू के फॉलोअप के लिए गए थे, तो बहुत सारे कपड़े लौट के आए ना, तो बहुत सारे कपड़े हो गए और नए हैं, तो उन्हें बड़े तरीके से मुझे धोना है। और आज है ना, मैं उनको नाश्ते में ये मक्खन और मिल्क दे रही हूँ, जिससे उनका पेट फुलफिल रहेगा। लेकिन ना मैंने जैसे ये बनाए ना, इससे अच्छा तो ना मेरे घर के स्नैक्स रहते हैं। एक आधी ऐसा है जो बच गया, नहीं तो सारे फूट गए। देखिए, इनमें सब में ऑयल भर गया, इसलिए मुझे घर की बनी चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। और ये बच्चे न्यू ईयर वाले दिन ले आए थे, लेकिन उस दिन मैंने नहीं बनाए थे, घर पे बहुत कुछ बना लिया था। आज जब मैंने बनाए ना, तो मेरा मन ही खराब हो गया इन्हें देख के। ये देखिए, सारे स्माइलीज मॉनिस्टर में चेंज हो गए, इनका शेप अब स्माइली ना होके मॉनिस्टर जैसा हो गया है। और भयानक इसमें ऑयल भरा है मॉनिस्टर, ये तो बहुत ही अनहेल्दी हो गया। जैकेट पहनो, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और तुम ऐसे ही फिर रहे हो। हाँ ठीक है, ओके। यार इसको मैं कितने दिनों से ढूंढ रही थी, अब मेरी ये वाली। अभी तो मैंने बच्चों को नाश्ते में दूध और ब्रेड दे दिया, अगर दोबारा बनाती तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता, ठंडी भी बहुत पड़ रही है, काम भी बहुत ज्यादा है। इसकी लाइट को क्या हो गया है? कम आ रही है ना ये? हाँ, ये क्या हो गया? कम आ रही है बहुत। ये तो कुछ ज्यादा ही कम आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा। हीटर चालू हुई, चार्जर का पिन किसने यहाँ पे टांग दिया? बहुत कम हीट आ रही है, बहुत कम। इसमें शायद आई थिंक ये रॉड खराब हो गई है, इनको सही करवाना पड़ेगा। एक्चुअली अभी वोल्टेज बहुत कम था, क्योंकि सर्दी की वजह से हीटर वीटर ज्यादा चल रहे हैं, मतलब लाइटिंग ज्यादा हो रही है, तो लाइटिंग कम थी। हम हीटर तो बिल्कुल सही था। और ये कपड़े सुखाने भी मैं आ गई हूँ, हाथों हाथ में सारे काम करती जा रही हूँ। और पानी भी आ चुका था। और ऐसी सर्दी को हमारे यहाँ उंगली टपकने वाली सर्दी बोलते हैं, यानी कि हाथ ऐसा लगता है हाथ जम गए हो, उंगलियां अलग हो गई हो, काम नहीं बनता है। और तभी ना मैं जरा भी मतलब
बैठ जाऊंगी तो सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। तो इसका मैंने कलर बर्तन कितना वर्तन मस्त सब है ना। साफ कर लिए थे, उसके बाद पोंछ के ने तुरंत ही जमाना है, नहीं तो पड़े ही रहेंगे। और मैं कॉर्नर में कलेक्ट करती उसके जा बाद रही हूँ मैंने पोंछ विनेगर के। ही एक चम्मच करके डालने लगी, थोड़ा थोड़ा फट गया, फिर गैस बंद कर दी, फिर वो पूरा फट गया। इसको ऐसे निकाल लिया, अभी पानी गर्म होगा, बस अब इसको उसमें डाल दी बर्तन। और ये खाने की भी तैयारी कर रही हूँ साथ में। तो ये मिस्टी ने ना मोजरेला चीज घर पे ही बनाया और उससे बन भी गया, मुझे पूरी रेसिपी भी बता रही है। कुछ कपड़े मैं छत पे डाल दी और ये अभी आगे की छत पे डाल रही हूँ। हम लेडीज की भी ना किस्मत कितनी खराब होती है ना, मोस्टली लेडीजों की कुछ खुश किस्मत होती है। और यदि हम बाहर नौकरी कर रहे होते तो शायद एक दिन का रेस्ट भी मिल जाता और पति भी बराबर से काम करवाते तो इतना नहीं होता, लेकिन हमें तो कभी रेस्ट नहीं मिलता है, ना तो एक मिनट के लिए, ना एक दिन के लिए, ना किसी सीजन में। और चाहे गर्मी सर्दी या बारिश या कोरोना कुछ भी हो, रेस्ट तो नहीं मिलता है। पूजा कर लेने के बाद जो पानी निकलता है ना, जिनसे भगवान नहलाते हैं, तो उन्हें मैं जो ऊपर पेड़ लगे हैं उनमें डालने आ गई हूँ। और मैं ना तुलसी में भी देती हूँ इस पानी को, बट नहीं देना चाहिए, ये नहलाया हुआ पानी होता है। तो हस्बैंड ने मना किया था, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। और ना मैं बहुत दिनों से डोसा बनाने की सोच रही थी और बच्चों के माइंड में भी ये फीड हो गया था, तो अब वो मुझे मतलब कह रहे हैं बना दो बट मौसम डोसों के अनुकूल नहीं है, फर्मिट हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं कह सकते हैं, बट गला देती हूँ 2 दिन 3 दिन कभी तो होगा। और मैंने ये दाल चावल जो है ना 3:1 रेशियो में लिए हैं, 3 चावल और 1 दाल। और उड़द की दाल है ना मैं बिना छिलके वाली नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसमें फाइबर का जो मात्रा है ना क्वांटिटी कम हो जाती है। और मैंने ये छिलके वाली दाल ली है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। और आज लंच में ना मैंने विंटर वाला खाना बनाया है जो थोड़ा सा गर्मी देगा बॉडी को और बच्चे भी सीखेंगे इस टाइप का खाना खाना। अब तक मैंने जितनी लाइफ जी है ना, मुझे अच्छे से अनुभव हो गया कि बुरे वक्त में ईश्वर कभी साथ नहीं हाँ, छोड़ता है। संडे को खींच बनाती थी और मैं इसका जबरदस्त यूज करती थी, इससे मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत ले ली। 1 सेकेंड। हाँ मैं क्या कह रही थी, मैंने इससे कुछ ज्यादा मेहनत ले ली तो इसने मुझे जवाब दे दिया, मुझसे ज्यादा मेहनत लोगे तो ये हाल हो जाएगा और ये टूट गया। तो किसी का अननेसेसरी यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वो भी उससे भी जवाब मिल जाएगा। और अभी मिष्टी के पापा चिल्ला रहे थे कि वो दोनों अभी तक नहीं नहाए हैं, दोनों को शाउट कर रहे थे पर मजाके स्टाइल में, और इसीलिए वो किसी की नहीं सुनते, सब कुछ मजाक में ही लेते हैं बच्चे लोग। और दुख की घड़ी में ईश्वर कैसे हमारे साथ रहते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया, क्योंकि जब जब मुसीबत आई है उससे हम कब बाहर आ गए हमें खुद को ही पता नहीं चला। और जब भी कोई परेशानी आती है ना, सच्चे मन से एक बार सिर्फ याद कर लिया ना, तो वो हमारा साथ जब तक नहीं छोड़ता है जब तक हमें उस परेशानी से बाहर ना कर दे। और जब कभी ऐसा संकट आ जाए जिससे जो जो लगे कि अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता है, तो समझ लीजिए ईश्वर आपके साथ हो गए, आपने उनके साक्षात दर्शन कर लिए। तो प्रॉब्लम्स और दुख का आना भी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, तभी तो उस परमात्मा सर्वशक्तिमान का अनुभव कर पाएंगे। और लो ये हो गया मेरा विंटर मील तैयार, इसमें बाजरे की रोटी, उड़द चने की यानी पचमेल दाल, गुड़ और मिर्ची के अचार के साथ चावल एंड चने भाजी जो मैं हमेशा बनाती हूँ वो सब। और देखिए कितना खुश हो गए सब। और मैंने थोड़ा सा बॉयल पानी डाला था ना, तो ये अच्छे से फूल गए, अब मैंने पीस के रख दूंगी जिससे कि फर्मेंट होने के लिए 1 से 2 दिन मिल जाएंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो बस मुझे मेरे इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और न्यू व्यूवर्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ मैं ये आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल माई डियर।